तो आइए गाइज, आपको आज एक नया चीज दिखाते हैं जो हम भी आज पहली बार देखें। गुड मॉर्निंग गाइज, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है अनीस आनंद ब्लॉग्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपको क्या बताऊँ, कल रात में बारिश हुई थी तो ठंड पूरा बढ़ गया। तो अभी सुबह जिम जा रहा था, ठंडा लग रहा, तो सोचे कि थोड़ा सा हीटर जलाए। तो देखिए हीटर निकाले, ये रहा। लेकिन उसके बाद देखिए इसमें क्या हरकत किया है चूहा, पूरा अंदर अंदर काट दिया। लेकिन अच्छा वो हीटर हमारा बच गया, तो आपको भी दिखा रहा हूँ। देखिए ये रहा हीटर, लेकिन इसमें कितना गंदगी है वो भी आप देखिए। अभी हाँ देखिए यहाँ अंदर कितना गंदा जम गया। अब इसको साफ करना पड़ेगा खोल के। तो आते हैं जिम से, सब अच्छा से इसको साफ करेंगे। और ये देखिए चूहा, ये इसका जो पॉइंट होता है यहाँ, ये देखिए ये काट दिया है। तो अभी तो ऐसे घूमेगा नहीं, ऐसे ऑटोमेटिक हो गया है, ठीक करवाएंगे। और रात में एकदम भयानक वाला बारिश हुआ था। अभी तो पूरा देखिएगा, अभी बाहर जब जिम जाएंगे, रंजित आ रहा है, उसके बाद आपको भी बाहर का सीन दिखाएंगे, सीनरी दिखाएंगे, देखिएगा कितना कुहासा और कितना ठंड। तो देखिए आज जो बारिश पड़ा था उसी का है। देखिए एकदम पूरा जमीन भी भींगा पड़ा है और कुहासा देखिए गिर रहा है। कुहासा से ज़्यादा तो आज वो ठंड, एकदम जैकेट के अंदर भी हमको इतना ठंड लग रहा है, क्या बताएं। ऐसा 3-4 दिन कीज कीज के बारिश पड़ गया, तब तो बोलिए बवाल, सुबह जिम जाना मुश्किल कर देगा। तो आइए गाइज, आपको आज एक नया चीज दिखाते हैं जो हम भी आज पहली बार देखें। ये देखिए ये है आलू का फूल है। देखिए यहाँ पे ये हल्का पर्पल कलर का है, वहाँ पे देखिए वो अभी वाइट है, वो अभी कुछ दिन बाद पर्पल हो जाएगा और कुछ ही दिन में इसमें आलू बन के तैयार हो जाएगा। तो आज हम पहली बार देखे आलू का खेत। देखिए कितना सारा आलू है, उधर पीछे भी देखिए, उधर भी आलू, पूरा सब जगह आलू ही आलू है। तो ये रहा मछली जो है उसका खाना, तो थोड़ा सा ले लिए हैं। तो अब यहाँ पे इससे ढक्कन है, इसको खोलते हैं और मछली को खाना दे देते हैं। तो देखिए कितना सुंदर सब मछली है, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसमें खाना दे दिए, अब वो लोग देखते हैं कब ऊपर आएगा और जब भूख लगेगा वो लोग खा लेंगे, क्योंकि डेली सुबह में खाना देते हैं, तो आज भी दे दिए हैं उसे। तो गैस जिम हो गया, आज था चेस्ट, तो चेस्ट कर लिया, अब नया रूटीन फॉलो हो रहा है। लेकिन अभी भी घर जा रहे हैं, लेकिन आज देखिए लगभग 10 बज चुका है, लेकिन धूप ऐसा कड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि कल बारिश हुआ था तो ठंड तो सुबह बवाल का था, अभी कुछ रहा था लेकिन अभी भी ठंड है। तो गाइज ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, ये बॉइल्ड सोया चना, प्याज, धनिया पत्ता और नींबू। तो चलिए अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, आजकल अब थोड़ा बहुत डाइट स्टार्ट किया हूँ। तो ये रहा आज एक नया बाइक, मतलब रोमी भैया लिए हैं, तो ये बाइक है MT का है, राइडर यामाहा का। तो मतलब ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, सामने से तो और भी बवाल लग रहा है। तो आज इसे चलाएंगे और देखेंगे कि कितना फील आता है, क्या स्पीड है, क्या कुछ है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसे चलाने के लिए, तो अब सब्र नहीं होता इसे चला के आता। तो अभी फ़िलहाल जल्दी से गाड़ी ऑन करता हूँ। देखिए इसमें LED स्क्रीन दिया है, ये बहुत। और इसका एक फीचर आपको और बताते थे, अगर आप जैसे तेल भराएंगे यहाँ पे, जो कितना आप तेल भराए अगर उसका आपको जानकारी लेना है कि माइलेज क्या दे रहे हैं। यहाँ देखिए एक बटन है, ये बटन को अगर आप प्रेस कीजिएगा तो इससे आपका डिस्टेंस दिखा देगा और कितना पेट्रोल है वो सब कुछ लिखा हुआ दिखा देगा, और क्या माइलेज दे रहा है वो भी आपको इससे पता चल जाएगा। तो ये तो बहुत ही आलीशान फीचर था। और गाड़ी भी चला के हम आ गए यार, भाई साहब बहुत ही बवाल था, मतलब कुछ सेकेंड में स्पीड अच्छा पकड़ लेता है, मज़ा आ गया। तो अभी मार्केट से आ रहा था तो कुछ गुपचुप ले आया है, आप देख सकते हैं ये गुपचुप है, ये है उसका मसाला आलू और चना, और ये है गुपचुप का पानी, तो मज़ा आ रहा है। तो ये रहा मेरा आज का डिनर, जैसा कि आप देख सकते हो रोटी तड़का और ये है आलू सोयाबीन की सब्जी। तो चलिए अपना डिनर करते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से कल एक नए और मजेदार ब्लॉग के साथ। सो टिल देन बाय।